हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मौत के चेहरे का दूसरा भाग। आज की सुबह कुछ खास ही थी। ट्रेन 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 ट्रेन, लो आज तो पसीना निकलने से पहले ही सूखा जा रहा है। अब सुबह सुबह कौन मुझको याद कर रहा है। हेलो, देखिए आपने रॉन्ग नंबर मिला। पापा, सुबह सुबह दिल्ली में आज हमारी याद कैसे आ गई। तूने पेपर पढ़ा आज का। नहीं पापा, अभी तो एक्सरसाइज भी खत्म नहीं हुई। तो पहले पेपर पढ़, और पेपर पढ़कर हवा में मेरी तरह मत उड़ने लगना। मैं शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू श्वेता। ये पापा ने पेपर में ऐसा क्या पढ़ लिया कि सुबह सुबह फोन ताक दिया, प्राउड वाला। जरूर कुछ खास। उई माँ, मैं तो मर गई। क्या हुआ श्वेता, कसरत करते हुए कोई नस चढ़ गई क्या। नहीं, मैं पास हो गई मम्मी, और उससे भी बुरी खबर है कि मैंने टॉप कर लिया है। सच, मेरी बेटी ने टॉप किया है। मेरी बुद्धू बेटी टॉप कर गई। ध्रुव तो ये खबर सुनकर पागल हो जाएगा। पहले ही कौन सा कम पागल है। तुम खुश हो रही हो और यहाँ जान पर बनी हुई है। अब सोचना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट लूँ, क्या करना है, क्या बनना है, सब अभी सोचना पड़ेगा। और मुझे टॉप करने की क्या जरूरत थी। अब सब दोस्त पर घर पर धावा बोलेंगे, बधाई सुनते सुनते कान पक जाएंगे, और एक लंबी चौड़ी पार्टी देनी पड़ेगी सो अलग। मैं तो मर गई ना, मेरी एक्सरसाइज भी मारी जाएगी। अब किसी भी जगह दंगा पार्टी आती होगी, आते ही चिल्लाएगी, श्वेता कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी पार्टी। मर गई श्वेता। ध्रुव भी ये खबर सुनने के लिए घर की तरफ बढ़ ही रहा था। आह ध्रुव भैया, सुबह सुबह उठने का पैसा वसूल हो गया। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि आज घर का रास्ता काफी लंबा होने वाला है। शायद किसी बच्चे ने रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन छोड़ा। नहीं, ये कोई और ही चीज है, देखना पड़ेगा कि ये है क्या। मोटरसाइकिल उठाने का समय नहीं है। इसका पीछा करने के लिए मुझे वो स्केटबोर्ड चाहिए। और कुछ ही पलों बाद, वाह, ध्रुव भैया ने मुझसे स्केटबोर्ड मांगा। जब वापस करने आएंगे तो मैं बोर्ड पर उनके ऑटोग्राफ भी ले लूंगा। अब सबसे पहला काम इस चीज को रोकना है, और फिर ये देखना है कि ये चीज आखिर है क्या। और ये काम मेरी नाइलो स्टील लाइन बखूबी कर सकती है। ध्रुव की बेल्ट से निकलकर नाइलो स्टील लाइन हवा में उछली और अपने निशाने पर जाट की। यह दृश्य अनदेखा नहीं गया। अरे, वह प्राणी मेरे ट्रेसर को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में उसको पता चल जाएगा कि ये इतना आसान नहीं है। सचमुच ये काम आसान नहीं था। अब एक झटके में ये उड़न यान नीचे, अरे अरे, ये तो बहुत पावरफुल यान है, मुझे घसीटता हुआ ले जा रहा है। और मुझे आभास हो रहा है कि स्केटिंग बोर्ड से उतरने के बाद भी ये मुझे घसीट सकता है। जब तक कोई रास्ता न चूझे तब तक मुझे ऐसे ही। ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई, क्योंकि वह यान उसको उसकी मौत की तरफ ले जा रहा था। ओह यान मुझे उस तेज गति से आती बस की तरफ ले जा रहा है। इस यान को या तो कोई कंट्रोल कर रहा है, और या इसमें अपने आप सोचने समझने के लिए कंप्यूटराइज सर्किट लगा हुआ है। इतनी तेज गति, मैं तो इतना भी समय नहीं कि मैं दाएं बाएं कूद कर बच सकूं। समय है तो बस झुकने का और बचने का। और साथ ही साथ इस यान के इस अटैक ने मुझे वह रास्ता भी सुझा दिया है, जिसकी कि मुझे इस यान को जिससे कि मैं इस यान को भी रोक सकता हूँ। नाइलो स्टील डोरी का दूसरा छोर बस में फंस गया। विपरीत दिशा में उड़ रहे उड़न यान ने बस को भी खींचने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में उल्टे उसी के सर्किटों पर जोर पड़ने लगा। पावर ओवरलोड होने लगी, और कुछ क्षणों की कशमकश के बाद ट्रेसर फट गया। मेरा ट्रेसर नष्ट हो गया। इस प्राणी ने मेरा ट्रेसर नष्ट कर दिया। अब मुझे अपने यान में वापस जाकर एक नया ट्रेसर बनाना होगा। उसमें पता नहीं कितना समय लग जाए, और मेरे पास समय की ही कमी है। दुश्मन मेरे सिर पर खड़े हैं। मेरा सारा प्लान लेट हो गया, और वह भी इस तुच्छ प्राणी के कारण। इसको मैं कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगी। एक बार वही राख की ढेरी के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। पर नहीं, अब प्राणियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस समय इस पर हमला करने का मतलब है इन प्राणियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। मैं एक और मुसीबत मोल नहीं ले सकती। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं वापस जाकर एक नया ट्रेसर बनाऊं। क्यूसरी का वापस जाना किसी ने भी नहीं देखा, ध्रुव ने भी नहीं, और ना ही क्यूसरी ने यह देखा कि ध्रुव क्या कर रहा है, वरना शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं जाती। इस उड़न यंत्र के टुकड़े शायद इस यंत्र के बारे में कुछ जानकारी दे सके। और शिल्डर नर्सिंग होम में, कैसे हो पीटर? फादर परेरा, आप यहाँ पर कैसे? इस महीने तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर गया था। वहां से करीम ने मुझे तुम्हारा पता बताया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम नर्सिंग होम में हो। अच्छा हुआ आप आ गए फादर, मैं किसी के हाथ से पैसे भेजने की सोच ही रहा था। अब उसकी जरूरत नहीं है पीटर, वह 2 दिनों से अपने कमरे से लापता है। उसके लिए 4 दिनों की देरी ही बहुत थी पीटर। क्या, पर कहाँ गया वह? पैसे भेजने में मुझे तो सिर्फ 4 दिन की ही देरी हुई है। अब क्या करें, कहाँ मिलेगा वह? 1-2 दिन देखते हैं पीटर, शायद वह अपने आप वापस आ जाए, वरना पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और बाद में
तो तूने टॉप कर लिया। बगल वाली सीट पर कोई तेज बच्चा बैठा होगा। बगल वाली सीट, तुम्हारा मतलब है कि मैंने नकल की? देखो भैया, नकल करे मेरी जूती, श्वेता तो वैसे ही सुपर इंटेलिजेंट प्राणी है। खैर कुछ भी हो, अगर तू टॉप कर सकती है तो बाकी बच्चों का क्या स्टैंडर्ड होगा, सोचकर ही कपकपी आ जाती है। तो फिर स्वेटर पहन लो, बधाई देना तो दूर, तब से मजाक उड़ाया जा रहा हूँ। मैं तो चली बाहर की हवा खाने, आज का दिन तो नोट करके रखना चाहिए, आज मैं तुझसे पहली बार बहस में जीता हूँ। हैव अ नाइस वॉक। ये भैया तो मैं ऐसी तैसी, भैया की तो मैं ऐसी तैसी, ओ भैया थैंक यू। सूर्य धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था और राजनगर में हलचलें बढ़ती ही जा रही थी। व्हाट, आर यू श्योर शेखर? श्योर, अरे मैंने ही तो नाश्ते तमस वाली न्यूज कवर की है नताशा, और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो मैसेज तब तक मौजूद था, आई लव यू, नीचे नाम था ऋचा। जाहिर है कि वो मैसेज ध्रुव के लिए ही था। पढ़े हत्यारी राशियां, होगा, पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे ही नताशा, मैंने सोचा कि यह न्यूज भी तुमको मालूम होनी ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर, हेलो नताशा हियर। नताशा जी ध्यान से सुनिए, मैं एक ही बार बोल पाऊंगा, मेरे पास आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर है, पर मैं फोन पर नहीं बता सकता। आप तुरंत बंदरगाह के गोदाम नंबर 13 के सामने आइए, मैं वहां पर आपका इंतजार करूंगा, पर सिर्फ आधे घंटे तक इंतजार करो, मैं आ रही हूं। नताशा जा तो रही थी उस रहस्यमय फोन करने वाले से मिलने, पर उसका ध्यान कहीं और अटका हुआ था, ध्रुव पर, जो इस वक्त नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी में मौजूद था। मुझे पूरा यकीन है ध्रुव, जिस धातु का ये उड़न तंत्र बना हुआ है बताती पृथ्वी पर पाई ही नहीं जाती, यानी ये धातु किसी और ग्रह से आई है या लाई गई है? फिलहाल तो यही लगता है, क्योंकि इसको बनाने में भी उच्चतम स्तर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सिर्फ एक ही चीज मुझे ऐसी मिली है जो पृथ्वी पर भी पाई जाती है। कौन सी चीज? न्यूक्लियर ईंधन। इस यान में एक मिनी न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है, और जाहिर है कि न्यूक्लियर इंजन न्यूक्लियर ईंधन से ही चलेगा। न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाला एक विचित्र उड़न यंत्र, और जहां तक मेरा ख्याल है, इसके उड़ने की दिशा जिस तरफ थी, उधर तो एक ही महत्वपूर्ण जगह है, राजनगर का न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कुछ कुछ समझ में आ तो रहा है, पर समझ में आने वाली बात ये, बात सही है या गलत, ये तो राजनगर पावर स्टेशन पर नजर रखकर ही पता किया जा सकता है। पीटर बेचैन हो रहा था। मिस्टर, सिस्टर, मुझे डॉक्टर शिल्डर से मिलना है तुरंत, मैं अभी डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। सॉरी सर, डॉक्टर शिल्डर इस वक्त किसी से भी नहीं मिल सकते, उन्होंने आज और कल के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए, और उन इनमें दो मिनिस्टरों के भी अपॉइंटमेंट थे। ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा डॉक्टर शिल्डर को? कोई मरीज आया है थोड़ी देर पहले, शायद सीरियस है, डॉक्टर शिल्डर पूरा ध्यान उसी को दे रहे हैं। एक मरीज के पीछे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए? कौन आ गया ऐसा वीआईपी मरीज? एक महिला है, डॉक्टर शिल्डर की पर्सनल फ्रेंड है शायद, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती। एक ऐसी महिला जिसके पीछे मिनिस्टर तक के अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए डॉक्टर शिल्डर ने? कौन है वह रहस्यमय महिला? सभी अपने अपने सवालों में उलझे हुए थे। ये है गोदाम नंबर 13, काफी सुनसान जगह है। मुझे कौन फोन करने वाले ने मुलाकात के लिए अच्छी जगह ढूंढी है? बहुत अच्छी जगह है, किसी को गोली मार दो तो सुनने वाला कोई नहीं है, लाश उठाकर समुद्र में फेंक दो तो देखने वाला कोई नहीं है। ये आवाज तो फोन तुमने किया था, और ये है तुम्हारी महत्वपूर्ण खबर, यानी कि तुम भी उसी गैंग के आदमी हो जो शरद कुमार की मदद कर रहा है। पड़े हत्यारी राशियां, और मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। तुझे हम रास्ते से हटाना नहीं चाहते चाहते थे, पर तू खुद ही रास्ते से हटना चाहती है। 5 सेकंड बाद हम गोली चला देंगे, जिसको याद करना है कर ले। फट पड़ा कुछ दिनों से दबा नफरत का ज्वालामुखी, याद आ गया उसको अपनी उस शख्सियत का एक एक पल, जो रिपोर्टर के रूप के तले कहीं दब गया था, शख्सियत जो थी ग्रैंड मास्टर रोबो की, रोबो आर्मी के कमांडर की, जिसका बचपन बीता था खतरों के साय में, भुनभुनों झुनझुनों के बजाय सुने थे, जिसने बारूद के धमाके, हे गुड़ियों के बजाय जिसकी उंगलियों ने थामी थी बंदूकें, और जिसके शरीर की मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला में प्रवीण पंडितों ने तपा तपा कर बना दिया था एक युद्ध की मशीन, जिसने अपनी माँ के होते हुए भी उसकी सूरत को कभी नहीं देखा, हर तरह के प्यार से मरहूम कमांडर नताशा को प्यार की तलाश नहीं, ध्रुव के पास लाकर उसको सिर्फ नताशा बना दिया था। उसने कमांडर की पदवी के साथ साथ रोबो और अपराध जगत को भी छोड़ दिया था, लेकिन अब वे ही लोग उसका साथ छोड़ रहे थे, जो लोग उसके नाम से ही थर थर कांपते थे, अब उसी स्तर के लोग उसकी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए थे, लेकिन अब नहीं, अब बस, इन जैसे मामूली गुंडे कमांडर नताशा के तलवे चाटते थे और आज भी चाटेंगे। बस, मैं सिर्फ तुम्हें
मैं सिर्फ तुझे होश में छोड़ रही हूँ ताकि तू मेरा संदेश अपने बॉस तक पहुंचा सके। मैं ना तो तुझसे तेरे बॉस का नाम पूछूंगी और ना ही पुलिस को बुलाऊंगी। अब ये लड़ाई मेरे और तेरे बॉस के बीच में है। जा और जाकर अपने मालिक से बोल कि मैं उसको पुलिस के हवाले तभी करूंगी जब मैं पहले उसकी कसकर धुनाई कर लूंगी। जा। इस दौरान कहीं पर तेजी से काम हो रहा था, बन गया, मेरा नया ट्रेसर तैयार हो गया। पर मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगी, तब छोड़ूंगी जब इस ग्रह पर अंधेरा हो जाता है और इस ग्रह के प्राणी सो जाते हैं। तब मेरा ट्रेसर मुझे ढूंढ कर देगा न्यूक्लियर ईंधन का भंडार, न्यूक्लियर पावर प्लांट, राजनगर। किसी खबर का इंतजार कर रहे ध्रुव के लिए भी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही थी। ची 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 ची। ओह, तुमने वैसा उड़न यंत्र देखा है? चलो मुझे बताओ वह यंत्र कहाँ पर है। ध्रुव की नास्तेदामत से भिड़ंत की थकान अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी और एक भयानक रात की शुरुआत होने ही वाली थी। यही है वह स्थान जहां पर न्यूक्लियर ईंधन का भंडार जमा है। मुझे जल्द से जल्द ईंधन को हासिल करना है और ये बचकानी रुकावटें मुझे रोक नहीं सकती। रुकावटें बचकानी ही सही, लेकिन थी तो। ए, कौन हो तुम? रुक जाओ। और एक चीख के साथ खेल शुरू हो गया। राजनगर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। हालांकि यह व्यवस्था किसी विदेशी हमले को मद्देनजर रखकर की गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल हर उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता था जो पावर प्लांट परिसर में अनाधिकृत रूप से घुसने की कोशिश करे। और हर ऐसे व्यक्ति के लिए सुरक्षा कर्मियों को एक ही निर्देश था, शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो। अब ये बात दूसरी थी कि गोली असर करे या ना करे। ओ गॉड, गोलियां इससे टकरा कर बेकार हो रही हैं। सुपर वूमैन है क्या? नहीं, ये किसी फोर्स फील्डर के कवच का इस्तेमाल कर रही है। इसका एक ही मतलब है, ये कोई मामूली जासूस नहीं है। आ, आ। अब मुझे इन छोटे मोटे हादसों से बचकर निकलना होगा, क्योंकि हर ऐसा हादसा मेरा थोड़ा सा समय नष्ट कर सकता है, और समय ही एक ऐसी चीज है जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। अब मुझे विमान भेदी तोपे वैसे तो किसी हमलावर विमान को मार गिराने के लिए लगी थी, लेकिन इस वक्त उनका रुख नीचे की तरफ था, और जो रॉकेट हवा में कई किलोमीटर उड़ रहे विमानों को मार गिराने की ताकत रखते हैं, उनका एक मानव रूपी शरीर पर क्या असर होगा, यह सोचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। यही वह पल था जब ध्रुव भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन आ पहुंचा था। ओह, लगता है मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई है। जिस गड़बड़ की मुझे आशंका थी वह शुरू हो चुकी है। इन फेसों में 440 वोल्ट का करंट डाल रहा है, मुझे बचकर निकलना होगा। लेकिन इस फेंस में पहले से ही एक छेद है, जरूर गड़बड़ी फैलाने वाला यहीं से अंदर घुसा है। कर्नल साहब, क्या गड़बड़ हो गई है यहाँ पर? ध्रुव, तुम यहाँ? खैर, पीछे ही रहो, ये लड़की इस मुसीबत की जड़ है। हमने इसे बेबस कर दिया है, अब सिर्फ इसे गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन इन प्राणियों का व्यवहार मेरी फोर्स फील्ड को भेद तो नहीं पाया, पर मुझे एक तेज झटका जरूर लग गया। मुझे संभलने में वक्त लगेगा, यानी अब बैकअप यूनिट को बुलाने का वक्त आ गया है। क्यूसरी की उंगली में पड़ी अंगूठी तेजी से चमकी और आ पहुंची बैकअप यूनिट। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के परिसर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ तबाही मचाने के लिए। और इसी दौरान तो उसने हमारे आधा दर्जन हथियारबंद आदमियों को निहत्ते ही पीट दिया और हमको पर्सनल चैलेंज भी दिया है। फिल्मी बात लगती है। कौन है वो धुआंधार लड़की जो बारको को खुल्लम खुल्ला चैलेंज? वह ग्रैंड मास्टर रोबो की रोबो आर्मी की भूतपूर्व कमांडर है बारको, रोबो की बेटी नताशा। क्या? तो ये है नताशा, मेरे भूतपूर्व बॉस ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी। इसकी आवाज मैंने कई बार सुनी है जब ये मुझे ऑर्डर दिया करती थी, पर शक्ल कभी नहीं देखी। इंटरेस्टिंग। रोबो तो ध्रुव के डर से भागा भागा घूम रहा है और उसकी बेटी मुझे चैलेंज दे रही है। उसने मुझको पुलिस से पकड़वाने की कसम खाई है ना कैप्टन? देखते हैं कि पुलिस किसको पकड़ती है। तुम एक ऐसे आदमी की तलाश करो कैप्टन जो सड़क पर आवारा घूम रहा हो और जिसे पैसे की सख्त जरूरत हो, और उसके बाद चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मौत के चेहरे के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।